किसान आंदोलन का 36वां दिन साथी दौर की बैठक में लगभग 50% मसलों पर बनी सहमति। बिजली और पर्यावरण अध्यादेश पर सरकार के साथ किसानों की बनी सहमति, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा आंदोलन। किसान और सरकार के बीच 4 जनवरी को होगी अगली बैठक, फिलहाल किसानों के आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच करीब 5.5 घंटे तक चली बैठक, कृषि मंत्री ने कहा किसानों के साथ अच्छे वातावरण में हुई वार्ता। अगली बैठक में एमएसपी और तीनों कृषि कानून सरकार और किसानों के बीच होगी बात, टिकैत ने कहा कि 4 में से 2 प्रस्ताव पर बनी सहमति। कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से बुजुर्ग और महिलाओं को घर भेजने का आग्रह किया, कहा हमने किसानों की समस्या पर ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द करने से किया इनकार, सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया, किसानों के साथ पराली पर भी बनी सहमति। किसानों के साथ बैठक में मंत्रियों ने मोबाइल टावर तोड़े जाने का मुद्दा भी उठाया, किसान नेताओं ने भी हंगामे बवाल की निंदा की। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ ली सेल्फी, लंच के दौरान एक किसान नेता ने पीयूष गोयल के साथ खिंचवाई फोटो। गाजीपुर में किसान नेताओं ने केक काटकर किसान की बेटी का मनाया बर्थडे, इस दौरान किसानों के साथ उसका पूरा परिवार मौजूद था। सरकार के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद किसानों ने ट्रैक्टर मार्च रद्द किया, आज किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले थे। किसान के साथ सकारात्मक बातचीत से बौखलाया विपक्ष, दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर पीएम मोदी ने साल 2020 का रखा लेखा जोखा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दी विस्तार से जानकारी, नए साल की दी बधाई। आज पीएम मोदी राजकोट एम्स का करेंगे शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम रखेंगे आधारशिला। जम्मू के हीरानगर में ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मंदिर को किया गया ध्वस्त, भीड़ ने मंदिर में आग लगाकर किया ध्वस्त। इसरो प्रमुख के सिवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, कार्मिक मंत्रालय की ओर से कार्यकाल बढ़ाए जाने की दी गई जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज करेंगे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख का ऐलान, रमेश पोखरियाल ने बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा कराने से किया इनकार। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मिला एक और मौका, सरकार ने अंतिम तारीख 10 दिन और बढ़ा दी, 10 जनवरी तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। सरकारी पैसे पर चलने वाले मदरसे को बंद करने का लिया असम विधानसभा में हुआ बिल पास, सरकारी खर्चे पर चलने वाले संस्कृत स्कूलों पर भी कानून होगा लागू। रोहतक में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही बेटी पर पिता ने की फायरिंग, बेटी और प्रेमी के भाई की मौत। रोहतक में दिन दहाड़े हुई हॉरर किलिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। मकर विलक्कु फेस्टिवल के लिए खोला केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, 40 दिन तक चलेगा उत्सव। तेलंगाना के जगतेल टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मंत्री ईश्वर की रैली के दौरान हुआ हंगामा। बेंगलुरु में फिर दिखी एसडीएफआई की शर्मनाक करतूत, पंचायत चुनाव के दौरान एसडीपीआई ने पाकिस्तान के समर्थन में लगाए नारे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड को 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया किया घोषित, अफ्सपा कानून किया गया लागू। मणिपुर में जंगलों में भीषण आग लगी है, जंगली जानवरों को खतरा है, आग बुझाने के लिए वायुसेना से मांगी गई मदद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 जनवरी से शुरू करेगी सोनार बांग्ला अभियान, बंगाल के लोगों तक पहुंचाएगी मोदी सरकार की नीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लगातार सोनार बंगला का नारा, अब नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, 1 जनवरी से दिल्ली से कटरा के बीच फिर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। महाराष्ट्र में महंगा अगाड़ी गठबंधन में आई फूट, कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर एनसीपी पर पार्टी को खत्म करने का लगाया आरोप। न्यू ईयर को लेकर के मुंबई में गाइडलाइन जारी, रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे होटल और पब। ब्रिटेन में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी, अगले हफ्ते में लोगों को दी जाएगी नई वैक्सीन। 1 जनवरी को कोरोना वैक्सीन पर एसईसी की बैठक, भारतीय कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मिल सकती है मंजूरी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 286 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 677 नए केस आए सामने, जबकि 21 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,537 नए मामले, 4,913 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाया, सभी नियम पहले की तरह होंगे लागू।
नजर नोएडा में मिला है कोरोना के नए स्ट्रेन का, दो मरीज आए हैं सामने। दो दिनों में देश में नए स्ट्रेन मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। मिनट में ब्रिटेन से आए एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 साल की बच्ची में मिला ब्रिटेन में फैला कोरोना का नया स्ट्रेन। नए साल पर पुलिस कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, 16,929 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पद पर हुए प्रमोट। 2005-2006 बैच के पुलिस कर्मियों का हुआ प्रमोशन। यूपी में धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन अध्यादेश पर भड़के साधु संत, अखाड़ा परिषद ने किया योगी सरकार के फैसले का विरोध। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने राष्ट्रपति, यूपी के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम योगी को लिखा खत, कहा मेरे साथ किया जा रहा है अपराधियों जैसा सलूक। पीलीभीत में बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी विधायक पर लगाया घोटाले का आरोप, विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए के काम में घोटाला। बलिया में प्रशासन की जांच टीम के सामने ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता की मारपीट, डीएम के आदेश पर जांच करने पहुंचे थे डीएसओ। बरेली की लेडी डॉन राबिया अख्तार पर पुलिस का शिकंजा, 2 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में पुलिस। लखनऊ प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ अभियान किया तेज, प्रशासन ने भू माफियाओं के कब्जे से 90 एकड़ जमीन को छुड़ाया। आजमगढ़ में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। सहारनपुर में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से चोरी की 10 बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने चावल व्यापारी से लूटे 13 लाख रुपए, दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायर। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया के नाम पर होंगे पंचायत और सामुदायिक भवन, कांग्रेस ने फैसले को बताया तो गलती फरमाई। छत्तीसगढ़ में धान की उठा पर केंद्र राज्य में ठनी, भूपेश सरकार का बयान, जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर केंद्र से मिलेगा पूरा मंत्रिमंडल। सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल, अधिकारियों को नहीं है जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कोई जानकारी, सीएमएचओ भी अनजान, भोपाल पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। रायपुर में विद्या मितानों के रुख में आई नरमी, सीएम भूपेश बघेल ने आश्वासन पर 65 दिन बाद खत्म किया धरना। भोपाल में सामने आया बड़ा टॉयलेट घोटाला, जांच में फर्जी नकली नगर निगम की सूची, सिर्फ कागजों में बने सैकड़ों टॉयलेट। छत्तीसगढ़ के एक और 155 किलोग्राम गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, जब्त की गई गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बैतूल में पुलिस ने 8 लड़कियों को छुड़ाया है, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, सभी लड़कियों को व्यापार के लिए नागपुर ले जाया जा रहा था। ग्वालियर में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ से परेशान पिता ने खुद को लगाई आग, 70% जलने के कारण अस्पताल में हुई मौत। जेडीयू में टूट के विपक्ष के दावे पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा सभी दावे बेबुनियाद, विपक्ष के दावे में कोई दम नहीं। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, सीपी सिंह ने रांची नगर विकास विभाग की विफलताओं पर जारी किया आरोप। झारखंड में 3 साल बाद हुई डॉक्टर की बहाली, 367 डॉक्टर को सौंपा गया नियुक्ति पत्र, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इलाज होगा आसान। खगड़िया में महिलाओं के साथ गैंग रेप की वारदात, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, गांव के 4 युवक पर लगा आरोप। नालंदा में सीओ पर ग्रामीण ने किया हमला, हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, अवैध निर्माण रोकने गए थे अधिकारी। फारबिसगंज में वसूली के पैसे पर बंटवारे को लेकर के 2 पुलिसकर्मी में हाथापाई हुई, राफेल और डंडे से एक दूसरे पर किया वार। झारखंड के चतरा 10 केन बम के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं, बदमाशों के पास से 1 देसी पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई। राजस्थान में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस, 5 जनवरी से कांग्रेस कार्यकर्ता चलाएंगे किसान बचाओ देश बचाओ अभियान। बीकानेर में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, बॉर्डर पर ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया, पाकिस्तान और भारत में करता था तस्करी। बीकानेर में युवक की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने बेटे के चेहरे पर की पत्थरबाजी, मौके पर पुलिस बल तैनात। कोटा में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान हंगामा, चेकिंग के वक्त युवकों ने लगाया मारपीट का आरोप, लोगों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन का हरियाणा नगर निकाय चुनाव पर देखा असर, निर्दलियों का चला सिक्का तो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के लिए फीका रहा चुनाव। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठंड, दिल्ली में अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान, 4 जनवरी को देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। सीबीडीटी ने जारी किया 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड, आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी। व्यक्तिगत ITR दाखिल करने वालों की संख्या घटी, 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक लोगों ने फाइल किया रिटर्न। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 12 बजे IRCTC की नई वेबसाइट करेंगे लॉन्च, नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना होगा आसान। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की स्कीम, उद्योगों को 4,573 करोड़ की राहत।
निर्यात से रोक हटाते हुए बढ़ती लगी प्याज की कीमत, 50 रुपए प्रति किलो तक बिका प्याज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़े रोहित शर्मा, होटल में एंट्री के बाद खिलाड़ियों ने किया स्वागत। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज अश्विन बख्तर ने टीम इंडिया के मेलबर्न में किए प्रदर्शन की तारीफ। 10 साल बाद मैदान पर वापसी करने को बेताब श्रीशांत, बोले कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो इंसान को तोड़ सके। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया की बादशाह कायम, दूसरे स्थान पर बरकरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की कार बेकाबू होकर होटल में घुसी, हादसे में बाल बाल बचे अजहरुद्दीन। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कराया फोटोशूट, बेबी बम के साथ एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। अर्जुन मलाइका के गोवा वेकेशन की सामने आई लेटेस्ट तस्वीरें हुई वायरल। स्टाइलिश लुक में नजर आई कंगना, टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए से भी कम। अभिनेत्री निया शर्मा ने बॉलीवुड के साथ बिकनी में कराया फोटोशूट, तस्वीरें हुई वायरल। बिग बॉस सिंह, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला गोवा में मचा रहे हैं धमाल, पार्टी में क्लोज डांस करने का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का पासपोर्ट होगा रद्द, इलाज के लिए नवंबर में विदेश गए थे नवाज शरीफ। यमन के अदन एयरपोर्ट पर नवगठित सरकार के पीएम को बनाया गया निशाना, रनवे पर विमान के पास हुए धमाके में 16 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पापुआ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई बच्चों समेत 15 लोगों की मौत, दर्जों लापता। अगर आप एक्सपर्ट हो फिर भी संभल कर करें स्केटिंग, जरा सी भी चूक और हो गया हादसा, शख्स जमीन पर चारों खाने चित हो गया। कभी कभी हम जानबूझकर मुसीबत बुला लेते हैं, कार में पीछे खुद को बांधकर राइड करने वाले शख्स को जमकर चोट लगी। कुर्सी पर बैठकर सर पर निकले इस शख्स को अंदाजा भी नहीं था कि हादसा हो जाएगा, बीच सड़क पर उलट गई कुर्सी। हॉट एयर बलून के साथ कर्मचारी भी उड़ चला, पैसा फंसने से वो खुद को बलून से अलग नहीं कर पाया और पहुंच गया आसमान में। छलांग लगाकर घोड़े पर बैठा पड़ गया भारी, लेकिन घोड़े ने ऐसी लात मारी कि जनाब को दिन में तारे नजर आए। कार के बोनट पर खड़े होकर शानदार जांच, लेकिन तभी पैर फिसला और जमीन पर गिरने से चेहरे पर आई जोरदार चोट। भीड़ में जैसे ही इस महिला को युवक ने छेड़ा, गुस्साई महिला ने युवक पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज सबको सुनाई दी। नन्हा एक्सपर्ट निकल पड़ा है स्केटिंग करने, बच्चा खुद को स्केट बोर्ड पर ऐसे संभाल रहा है जैसे कोई माहिर खिलाड़ी हो। हिम्मत से आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं, लेकिन बिल्ली ने हिम्मत दिखाकर शेर की ओर जैसे बढ़ी, शेर डरकर पीछे हो गया। अनुपात में हो गया हादसा, ड्राइवर को कट का अंदाजा नहीं लगा और वो दीवारों से कई बार टकराया, गनीमत रही कि ज्यादा चोट नहीं आई। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।